Hello friends, and welcome back to Chiki's Biology, another video tutorial. In this video tutorial, I am going to discuss about SDS-PAGE, means sodium tolerant sulfate polyacrylamide gel electrophoresis. आज हम लोग इसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे in detail. तो आप लोग मेरे साथ में इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेके एंड तक बने रहें. और फ्रेंड्स, इस टाइप की जो हमारी टेक्निक्स होती हैं, इससे जनरली रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे कि सीएसआईआर नेट लाइफ साइंसेज एग्जाम, डीबीटी जेआरएफ एग्जाम, आईसीएमआर एग्जाम, आईसीएआर एग्जाम, गेट बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम, गेट लाइफ साइंसेज एग्जाम या आईआईटी जेम बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम. इस टाइप के एग्जाम्स में हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारी बायोफिजिकल टेक्निक्स से. तो फ्रेंड्स, हम लोग बात करते हैं एसडीएस पेज के बारे में. तो एसडीएस पेज जो है ये एक एनालिटिकल मेथड है फॉर सेपरेशन ऑफ प्रोटीन्स. प्रोटीन्स का सेपरेशन होता है इस टेक्निक के थ्रू. और फ्रेंड्स, हम लोग इस टेक्निक के थ्रू आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन भी करते हैं डिफरेंट टाइप्स की हमारी प्रोटीन्स का. तो ये आप लोगों को यहाँ पे पता चल गया होगा. एसडीएस पेज जो है इसके साथ में कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं या ये किन फैक्टर्स के साथ में डील करता है ड्यूरिंग योर वर्किंग, इस पर भी यहाँ पे डिटेल में बात करते हैं. फ्रेंड्स, प्रोटीन्स का जो मॉलिकुलर वेट होता है ये उसके साथ में डील करता है, उसके भी हाथ पे ये प्रोटीन्स को यहाँ पे सेपरेट करता है, आइडेंटिफाई करता है या डिटेक्ट करता है. या फिर मॉलिकुलर रेडियस ऑफ प्रोटीन का भी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होता है, सेकंड फैक्टर है. नेक्स्ट फैक्टर जो है वो नेट चार्ज भी यहाँ पे एक मेजर रोल प्ले करता है. नेक्स्ट अप्लाइड करंट. तो ये सभी जो फैक्टर्स हैं एसडीएस पेज के लिए हाईली इंपॉर्टेंट है, हाईली क्रूशियल है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए. और ये टेक्निक इन सभी फैक्टर्स के साथ में एक साइंटिफिक वे में डील करती है. तो ये आप लोगों को यहाँ पे पता चल गया होगा. अब होता क्या है, जैसे हमारे पास में सेल है, कोई हमारे पास में सेल है, सेल में हमारा डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है. बट जो एसडीएस पेज है ये हम लोग यूज करते हैं प्रोटीन के लिए, ठीक है. तो हमारे पास में एक सेल है, सेल में हमारा प्रोटीन है, सेल की हम लोग लिसिस करते हैं. लिसिस करने के बाद में हम लोग उससे अपना प्रोटीन आइसोलेट करते हैं. उस प्रोटीन को हम लोग ट्रीट करते हैं बीटा मर्कप्टिक एथेनॉल से. तो जो हमारी प्रोटीन है वो जनरली हमारे सेल में इस फॉर्म में पाई जाती है, ठीक है, ऐसे नेगेटिव फॉर्म में पाई जाती है. और इसको हम लोग बीटा मर्कप्टिक एथेनॉल से ट्रीट करते हैं. बीटा मर्कप्टिक एथेनॉल क्या करता है, ये हमारी नेगेटिव प्रोटीन को एक लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है. ये जो हमारा डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है हमारी प्रोटीन में उसको ब्रेक कर देता है, जिससे हमारी प्रोटीन जो है वो नेगेटिव स्ट्रक्चर से लीनियर स्ट्रक्चर में वहां पे आ जाती है. इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, एसडीएस इसको ट्रीट करते हैं. एसडीएस क्या करता है कि जो हमारी प्रोटीन पे चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज करके उसको ओवरऑल जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज वहां पे दे देता है, ठीक है. तो पूरी प्रोटीन पे हमारा नेगेटिव चार्ज होता है. आप लोगों को पता है कि जो प्रोटीन है वो अमाइनो एसिड से बनी है, और अमाइनो एसिड जो है उन पे पॉजिटिव चार्ज भी होता है, नेगेटिव चार्ज भी होता है. तो इसीलिए प्रोटीन पे भी पॉजिटिव चार्ज भी होता है, नेगेटिव चार्ज भी होता है. बट हम लोगों को क्या करना है, हमें अपने जेल में प्रोटीन को रन करना है, तो हमें इसको ओवरऑल जो चार्ज है वो एक चार्ज देना पड़ेगा, जो हम लोग यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दे रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ एसडीएस, ठीक है. तो ये बात हो गई एक कॉन्सेप्ट की. उसके बाद हम लोग यहाँ पे चलते हैं, ये प्रोटीन जो है हमारी, इस प्रोटीन में हम लोग अपना डाई यहाँ पे डालते हैं. और डाई जो है वो हम लोग इसलिए यूज करते हैं जिससे कि हमारे जेल से ये प्रोटीन जब हम इसको लोड करें वो बाहर यहाँ पे ना निकले, ठीक है. डाई हम लोग इसलिए यहाँ पे यूज करते हैं. और फ्रेंड्स, डाई के साथ में हम लोग अपनी इन वेल्स में अपनी प्रोटीन्स को यहाँ पे लोड करते हैं, देन फर्दर हम लोग उसको रन करते हैं. कैसे कैसे करते हैं ये मैं आप लोगों को बताता हूँ. जब हम लोग कास्ट करते हैं अपने जेल को तो हम लोग दो जेल यहाँ पे बनाते हैं, एक बनाते हैं हम लोग स्टेकिंग जेल और दूसरा होता है हमारा रिजोल्विंग जेल. स्टेकिंग जेल वो जेल होता है जिसमें हम लोग अपने प्रोटीन सैंपल को अपने एसडीएस पेज में लोड करते हैं, ठीक है. और फ्रेंड्स, जो हमारा स्टेकिंग जेल है, स्टेकिंग जेल में जो एक्रिलामाइड की कंसेंट्रेशन होती है वो लो होती है, और इसका जो पीएच होता है वो 6.8 होता है, ठीक है. रिजोल्विंग जेल में क्या होता है, रिजोल्विंग जेल फर्स्ट हम लोग कास्ट करते हैं, इसको रिजोल्विंग जेल को कास्ट करने के बाद ही हम लोग स्टेकिंग जेल कास्ट करते हैं,
ठीक है। तो फ्रेंड्स डिसॉल्विंग जेल जो है इसमें हाई कंसेंट्रेशन ऑफ एक्रिलामाइड होती है और इसका जो पीएच होता है वो 8.8 होता है। अब हमने यहाँ पे अपनी प्रोटीन लोड की और जो हमारा नेगेटिव टर्मिनल है वो हमारा यहाँ पे होता है ऊपर की साइड और पॉजिटिव टर्मिनल हमारा नीचे की साइड होता है। तो जो हमने अपनी प्रोटीन यहाँ पे लोड की उस पर भी हमारा नेगेटिव चार्ज है, तो जो हमारी प्रोटीन है वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर जाएगी और इस तरह से हमें यहाँ पे मॉलिकुलर वेट के भी यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे बैंड्स दिखाई देंगे। और इस जेल को रन करने से पहले एसडीएस पेज को हम लोग रन करने से पहले यहाँ पे रनिंग बफर इसमें डालते हैं और रनिंग बफर के जो हमारे कॉम्पोनेंट होते हैं वो होता है हमारा ट्रिस, एक होता है हमारा ग्लाइसिन और एक होता है हमारा एसडीएस। और इस रनिंग बफर का जो पीएच होता है वो 8.3 होता है और इसी में कंडक्टिविटी होती है। इसी बफर की वजह से हमारा जो प्रोटीन है वो हमारे जेल के अंदर से यहाँ पे पास होता है या रन होता है और नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर यहाँ पे माइग्रेट होता है। ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोटीन और अप्लाइड करंट, ये दो फैक्टर जो है यहाँ पे मेजर है और ये जो दो फैक्टर है मॉलिक्यूलर रेडियस ऑफ प्रोटीन ये यहाँ पे इसका कोई उतना रोल नहीं है और नेगेटिव चार्ज का भी यहाँ पे उतना हम लोग कोई रोल नहीं मानते जब हम लोग अपने जेल को रन यहाँ पे कराते हैं, ठीक है। वैसे तो सभी फैक्टर यहाँ पे इम्पोर्टेंट है बट जब हम लोग अपने जेल को यहाँ पे रन करा रहे हैं आफ्टर कास्टिंग, ठीक है, उस टाइम पे हम लोग यहाँ पे जो हमारा मॉलिक्यूलर रेडियस ऑफ प्रोटीन है इस फैक्टर को नेग्लिजिबल मानते हैं और नेट चार्ज को भी हम लोग यहाँ पे उस टाइम पे नहीं मानते। हम लोग सिर्फ दो फैक्टर के साथ में डील करते हैं, एक होता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोटीन और दूसरा अप्लाइड करंट। तो ये आप लोगों ने पूरा कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे समझ लिया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो हमारे कॉम्पोनेंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। रिजॉल्विंग जेल में हमारे कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स होते हैं और स्टकिंग जेल में हमारे कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स होते हैं। तो H2O जो है वो हमारे रिजॉल्विंग जेल में भी होता है, स्टकिंग जेल में भी होता है। एक्रिलामाइड हमारे रिजॉल्विंग जेल में भी होता है, स्टकिंग जेल में भी होता है। जो यहाँ पे हमारा होता है ये हमारा रिजॉल्विंग जेल में भी होता है, स्टकिंग जेल में भी होता है। बट जो ट्रिस हम लोग ट्रिस पीएच जो 8.8 का हमारा ट्रिस होता है उसको हम लोग रिजॉल्विंग जेल में यूज करते हैं और ट्रिस जो हमारा 6.8 पीएच का होता है उसको हम लोग अपने स्टकिंग जेल में यूज करते हैं। ये आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। एसपीएस हम लोग दोनों में यूज करते हैं, रिजॉल्विंग जेल में भी, स्टकिंग जेल में भी। और एपीएस जो है वो हम लोग रिजॉल्विंग जेल में भी यूज करते हैं और स्टकिंग जेल में भी यूज करते हैं। तो ये आप लोगों ने यहाँ पे समझ लिया होगा। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा कि जो पॉलीमराइजेशन है, पॉलीमराइजेशन ऑफ एक्रिलामाइड, जो जेल फॉर्म हो रहा है एक्रिलामाइड का, वो टोटली डिपेंड्स होता है, डिपेंड्स अपॉन एपीएस एंड टैमिड। जब तक एपीएस और टैमिड दोनों आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे तब तक जो है हमारा जो जेल है वो सॉलिडिफाई नहीं होगा, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। टैमिड और एपीएस के बीच में रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उसी के बाद में हमारा जो जेल है वो यहाँ पे फॉर्म होता है। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों के लिए एक मेजर और क्रूशियल रोल प्ले करेगी। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आप लोगों के मन में कोई क्वेश्चन है, कोई आप लोगों के मन में डाउट है तो आप लोग उसको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आगे भी मैं फ्यूचर में आप लोगों को इसी टाइप की वीडियोस प्रोवाइड कराता रहूं तो प्लीज फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को प्रेस जरूर करें। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इन सभी वीडियोज को अपने फ्रेंड्स को, अपने बैचमेट्स को, अपने कलीग्स को, अपने जूनियर्स को आप लोग शेयर कर सकते हैं।